हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम बशार शफी, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज रोड़ा। तो गाइज, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जेके पोपी वालों ने जो है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज कर दिया है 2024 के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आ गई है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स को कम कर दिया गया है ओपन मेरिट से, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा हमारे कट ऑफ के ऊपर, उससे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ रहा होगा। तो क्या रहेगा कट ऑफ और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम होगा, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है वीडियो के अंदर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी गाइस, ये रहा जी हमारा सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का सीट मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। अगर आप कोई देखना है तो ये मैंने अपनी टेलीग्राम के ऊपर अपलोड किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, जितने भी हमारे पास मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर जितने नंबर ऑफ सीट्स है वो है 1007 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। जेएमसी जम्मू की अगर बात करेंगे 153, जेएमसी श्रीनगर 153 सीट्स है, सिक्किम्स की बात करेंगे 106, अनंतनाग की बात करेंगे 85, बारामूला की बात करेंगे 85, हंदवारा के अंदर 85, राजौरी के अंदर 85, उधमपुर के अंदर 85 और कुठवा के अंदर 85 और डोडा के अंदर 85। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है सीट, जितने भी ये सीट्स आते हैं ये है 1007। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जेएमसी राजौरी के अंदर जो है लास्ट ईयर 98 सीट्स थी हमारे पास, लेकिन इस साल खाली 85 सीट्स ही है। तो इससे आप देख सकते हैं कितनी सीट्स कम हो गई है ऊपर मेरिट से। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको और देखने को मिल रही होगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे जो यूटीएफ जो जेंड की है, अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी सीट्स है हमारे पास, 967 टोटल इतनी सीट्स है जेंड के लिए, जेंड के लिए, और लद्दाख के लिए हमारे पास 40 सीट्स है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला है इतनी सीट्स रहेंगी। तो उसमें से अगर हम बात करेंगे जो जेंड के है, इसमें मेल्स के लिए 483 और फीमेल्स के लिए 484 सीट्स हमारे पास रहती है। तो ये यहाँ पे, लेकिन ये टोटल सीट्स है। तो अब जो जेएनके के लिए सीट्स हमारे पास 967 सीट्स है, इसमें जो है 50% सीट्स हमारे पास ओपन मेरिट के लिए है, और जो 50% सीट्स है वो हमारे पास जो है बाकी कैटेगरीज के लिए है, और जो ओपन मेरिट में सीट्स है वो 40% ही ओपन मेरिट के लिए है, और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, सीट्स ओपन मेरिट से कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा होगा, लेकिन जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे दुख भरी खबर ये है कि उनकी जो सीट्स है वो और कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा होगा। और इस बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के ऊपर फोकस करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे पास 4 ही कॉलेज थे, जेएमसी जम्मू, जेएमसी श्रीनगर, सिक्किम्स और जेएमसी राजौरी, लेकिन इस साल जो है हमारे पास हर एक कॉलेज यहाँ पे एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आप हर एक कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि आप 4 कॉलेजेस को प्रेफरेंस रखिएगा ईडब्ल्यूएस बच्चे जो है, लेकिन अब आप हर एक कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए क्योंकि आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, अब आप हर कॉलेज के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो ये है कि अब एससी के लिए 8% हमारे पास सीट्स है, ST1 के लिए 10%, ST2 के लिए 10%, OBC के लिए 8%, जो पहले 4 थी अभी 8 हो गई है, तो यहाँ पे भी सीट्स बढ़ चुकी है। उसके अलावा ALC जो है उसके लिए 4% और RBA के लिए 10%, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स है टोटल में हर एक कैटेगरी के अंदर। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कट ऑफ तो वो आप इजीली कर सकते हैं, सीट्स आपके पास अवेलेबल है। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर हर एक कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आप वहां पे जाके खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कट ऑफ कितना होगा। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो ये तो हो गई कम्प्लीट ये बात कि सीट मैट्रिक्स की हो गई ये कम्प्लीट बात। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या हमें निकल सकता है इस सीट मैट्रिक से। तो मैंने उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आपके, मैंने एक उसके लिए एक सेपरेट यहाँ पे लिस्ट बनाई है कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि जीएमसी राजौरी लास्ट ईयर 98 सीट्स पार्टिसिपेट कर रही थी स्टेट यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर, लेकिन इस साल 85 ही सीट्स है, तो सीट्स कम हो गई है, हो गई ये बात। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो 80 ही थी,
लेकिन इस साल 97 सीट्स है और ये ओपन मेरिट से कट की यहाँ पे आ गई है, तो ओपन मेरिट के अंदर इतनी सीट्स कम हो गई है, जिसकी वजह से जो EWS के बच्चे हैं उनका तो फ़ायदा हो गया है, लेकिन जो ओपन मेरिट बच्चे हैं उनका लॉस हो गया यहाँ पे, तो उनका कट ऑफ बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो ओपन मेरिट के अंदर हमारे पास सीट्स है अब वो कितनी है, 387 टोटल मिला के, और उसमें से जो 10% है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब जिनके पास सब कैटेगरी है जैसे सपोर्ट, PWD एटसेट्रा, उनके लिए यहाँ पे हमारे पास 10% अगर हम निकालेंगे तो 39 सीट्स आ जाती है। और ये 10% रिजर्वेशन जो है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ओपन मेरिट के अंदर तो है ही है, लेकिन बाकी कैटेगरीज के अंदर भी होता ही है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, तो ये बाकी कैटेगरीज के अंदर भी लगता है, तो वहाँ पे भी 10% जो है सीट्स वो इन सब कैटेगरी वालों बच्चों के लिए होती है। अब जो हमारे पास ओपन मेरिट की सीट्स अगर हम बात करेंगे, 387 से माइनस करेंगे 39, तो वहाँ पे 348 आती है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो बॉयज़ के लिए 174 और गर्ल्स के लिए 174 सीट्स हमारे पास यहाँ पे रह गई है। तो अगर आप ये अब डेटा यूज़ करेंगे कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कट ऑफ यहाँ पे निकाला है, फाइनल कट ऑफ क्या होगा। अगर हम बात करेंगे बॉयज़ के लिए 645 से लेके 651 कट ऑफ रहेगा बॉयज़ का, और गर्ल्स का 616 से लेके 620। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपने जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जीरो कंसिडर की है, जीरो नहीं है, मैंने मिनिमल कंसिडर की है, नियरली मैं बोलूँगा कि 20 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो इतना आएगा, अगर इससे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो कम भी हो सकता है, और अगर इससे कम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो एक कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिला है तो आप वो ले लीजिए, उस सीट को ऑक्यूपाई कीजिए, और सीटेट की सीट को फ्री रहने दीजिए, वो बाकी किसी स्टूडेंट के काम आएगी जो बॉर्डर लाइन पे है अभी, तो वो उसको लेगा और मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर कर रहा होगा। और इसके अलावा मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करनी थी कि जो लास्ट वीडियो में उन्होंने बोला था कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से जो है आप चॉइस फिलिंग करनी है, मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को, तो वहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी थोड़ी बहुत। मैंने आपको बोला था कि आपको इस पर क्लिक करना है, इस जो नीट UGM आयुष है इस पर क्लिक करना है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, वो मुझसे गलती हो गई थी, आपको जो है आपको इस वाले पे क्लिक करना है, नीट MBBS और BDS आपको इस पे क्लिक करना है, तो आपको फिर वहाँ पे वो चीज़ें बाकी दिख रही होगी चॉइस फिलिंग की। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि भाई वहाँ पे निकल नहीं रहा है, तो वो थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। आप इस पे क्लिक कीजिए, आपको बाकी सारी चीज़ें सेम करनी है जो इसके वीडियो के अंदर मैंने बोली है, सेम चीज़ें करनी है, आपकी जो है चॉइस फिलिंग हो रही होगी। तो ये तो हो गई वीडियो की बात, अब मैं आपसे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया जो हमारा जो ये है, हमारा जो ये स्कोर जो आ रहा है, जो आपने कट ऑफ बोला है उसके बीच में लाइन ही करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको मैं सिंपल बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने कट ऑफ बोला है अगर उसके आसपास आपको जो है स्कोर आता है तो आपको काउंसलिंग के अंदर जो है चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए फाइनलिस्ट का आने का, हो सकता है आपको सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर आप उस रेंज के बिल्कुल आसपास भी नहीं है तो आपको अब काउंसलिंग फिर चॉइस फिलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो अब जो हो गया वो हो गया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जिन बच्चों की सिलेक्शन हो रही है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने मेहनत की है, आपको उसका फल मिला है, लेकिन जो बच्चे अब सिलेक्ट किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से 100% मेहनत की थी। इस साल पेपर लीक बोलो, कुछ भी बोलो, कोई ना कोई रीज़न हुआ है तो जिसकी वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो बच्चे 640 ला रहा है, 630 ला रहा है, 620 ला रहा है, उसने तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा की है। 600 के ऊपर जितने भी बच्चे स्कोर करते हैं उन्होंने मेहनत बराबर की होती है, लेकिन अब लक की भी बात आती है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा था डॉक्टर बनना, तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप छोड़ दीजिए, कोई और प्रोफेशन ले कीजिए, या तो आप फिर से ट्राई कीजिए, वो नेक्स्ट ईयर 700 से ऊपर स्कोर कीजिए, आपको फिर 100% कॉलेज मिल रहा होगा, बस आपके पास ये चॉइस है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने 600 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो आप फिर से एक बार जो है ट्राई लीजिए, जहाँ पे आपने इतनी अटेम्प्ट दी है, एक और साल दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, फुल 100% अपना दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो रहा होगा इस साल। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की तरफ बस इतना ही, अगर आपको किसी भी रीजन से आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।